तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए, तो आप न्यू टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो देखिए और पुराना टेक्नीशियन होगा तो अभी ये वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि सीआरटी टीवी का जो चाइना चैसिस है इस ये चैसिस लेके बहुत क्लियर करके आपको समझाऊंगा कि कुछ भी शॉर्टिंग प्रॉब्लम आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे और किस तरह शॉर्टिंग प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। पूरा डिटेल्स आपको ये वीडियो के अंदर समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो का मिले न्यू टेक्नीशियन का पास, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आसान तरीका से मिले न्यू टेक्नीशियन को देखाऊंगा किस तरह चाइना सीआरटीपी से भी शॉर्टिंग प्रॉब्लम को चेक किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो के अंदर न्यू टेक्नीशियन को क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकली मैं बहुत वीडियो के अंदर शॉर्टिंग रिमूव करने का तरीका आपको दिखाया, आज इसी तरह एक वीडियो आपको, ये न्यू पीसीबी है तो न्यू पीसीबी का अंदर कौन सा पोजीशन पर कितना रीडिंग देता है, कितना ओम्स देता है बिना वोल्टेज का साथ, आपको ये वीडियो का अंदर मीटर लेके देखूंगा। तो चलिए मैं बिना टाइम माय वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट को कुछ पोजिशन को आपको क्लियर करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि कौन पोजिशन शॉर्ट है कि नहीं है और शॉर्ट प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जाता है। तो चलिए मैं मोबाइल को स्टैंड पर रख के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक ही पीसीबी का अंदर ऑल डिटेल्स पोजीशन देखना संभव नहीं है और वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा कि बहुत दोस्त वो नहीं देखेगा, तो इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा जो अधिकतर शॉर्ट होता है। तो फर्स्ट ये जो पावर सेक्शन इसके ऊपर आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मान लो सेट डेट है, ठीक है, तो डेट होने का रीजन से सेट मतलब इसका अंदर सप्लाई जा रहा है कि नहीं ये फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या चेक करना पड़ेगा कि पीसीबी ओपन करने के बाद अब देखिए कि ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ ओपन हो गया है कि नहीं। तो फ्यूज़ जब ओपन हो जाएगा फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, फ्यूज़ जब ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन कि फ्यूज़ लगाने के बाद सप्लाई आप मत दीजिए, क्योंकि फ्यूज़ जो ये ओपन हो जाता है और जल जाता है काट जाता है इसका जो रीजन होता है इसका आउटपुट सेक्शन अधिकतर शॉर्ट होने का रीजन ये हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट ये जो सप्लाई जा रहा है बीच में ये जो चारों डायोड देखा जाता है कुछ भी एक डायोड और दो डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो सप्लाई इन हो रहा है ये एक ही सप्लाई लाइन का अंदर दो डायोड है और ये जो सप्लाई इन हो रहा है इसका अंदर दो डायोड है, मतलब इसका अंदर चार डायोड है। तो ये चार डायोड को आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए मैं मीटर को यहाँ पर रखा है और मीटर को मैं क्वांटिटेटिव मोड पर रखा है, अब अच्छा करके देखिए मीटर को मैं क्वांटिटेटिव मोड पर रखा है, देखिए मीटर बज रहा है, बार्जर बज रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव मोड पर है। तो क्वांटिटेटिव मोड पर आने के बाद देखिए मीटर का नेगेटिव पॉड मैं इधर साइड पकड़ाया और इसका पॉजिटिव जो साइड है कॉर्ड है इसको इधर साइड पकड़ाया, तो देखिए ये डायोड का ये साइड पॉजिटिव का सिंबल है, निशान है। तो यहाँ पर मैं ये कॉर्ड रखता हूँ और उसके बाद ये डायोड पर चेक करता हूँ, देखिए कितना रीडिंग आता है 500 का थोड़ा सा ऊपर, 531 ओम्स। तो इसी तरह ये उसका बाद जो डायोड है जो अलग लाइन के साथ कनेक्शन है ये डायोड का रीडिंग इस तरह दोस्तों देखिए 530 इस तरह रीडिंग है। और उसके बाद चलिए ये सेम डायोड को मैं इसी तरह चेक करके आपको दिखाता हूँ इसका किड क्या कितना रीडिंग देता है। तो दोस्तों देखिए इसका रीडिंग दोस्तों देखिए इधर से बहुत ही हाई, मतलब कुछ भी नंबर नहीं है, बट इसको आप घुमा के देखेगा तो ये मीटर कॉट को तो इस तरह सेम रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट शॉर्टिंग है आप देखिए, तो इसीलिए ये डायोड भी इसी तरह सेम रीडिंग देगा। तो मतलब अब अच्छा करके देखिए किस तरह रीडिंग देता है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट देखा है इस तरह ये जो रीडिंग दे रहा है तब तो उल्टा करके चेक करेगा तो मीटर कॉट को तो इसका अंदर भी बहुत ही हाई रीडिंग देगा, मतलब कुछ भी लो वैल्यू का रीडिंग्स नहीं आना चाहिए। तो इस तरह ये डायोड का चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये डायोड ये दोनों साइड अब चेक करने का समय बाजर बजेगा कि ये 500 का नीचे इसका ओम्स चला जाएगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, तो आपको डायोड को उसका बाद ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कुछ भी एक डायोड प्रॉब्लम हो जाएगा तो एट ए टाइम ये चारों डायोड को आप एक साथ चेंज कर दीजिए, तब आपका ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप एक डायोड शॉर्ट हो गया, आप कुछ भी एक पीसीबी से एक डायोड ओपन करके और कुछ भी एक न्यू डायोड इसके अंदर लगाया और कुछ दिन चलने के बाद फिर भी वो डायोड फॉल्ट हो सकता है, हो सकता है इसका अलग कुछ डायोड फॉल्ट हो सकता है, इसीलिए आप ये चारों डायोड को एट ए टाइम चेंज कर दीजिए। तो ये तो डायोड चेक करने का तरीका आपको बताया। और उसके बाद चलिए
ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर का एक नेगेटिव होता है, और दोस्तों ये जो सप्लाई लाइन होता है ये सप्लाई लाइन बीच में एक जम्पर है, और जम्पर के बाद ये कॉयल का अंदर जाता है, और कॉयल से इसका इंटरनल ये कॉयल है, ये चॉपर कॉयल की इंटरनल कॉयल है, इंटरनल कॉयल का थ्रू ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन पर आता है। चलिए आपको क्वांटिटी दिखाता हूँ, देखिए ये बाजर बाज रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई लाइन, ये मिडिल पिन, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव लाइन का साथ कनेक्शन होता है, ये नेगेटिव का साथ कभी ये शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। अब मीटर पर फॉलो कर सकते हो, ये मिडिल पिन का साथ कभी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चौड़ा वाला पाती है नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको मीटर का नेगेटिव पॉट को ये नेगेटिव पॉट रखना पड़ेगा, और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि नहीं आप ऊपर से ही चेक कर सकते हो। देखिए मिडिल पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और उसका बाद इसका ऊपर जो बेस पिन है इसका अंदर कुछ रीडिंग जो ओम्स देखिए 500 का ऊपर ओम्स है। तो दोस्तों इसका नीचे चला जाएगा तो तब भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के नीचे ये जो इमीटर पिन ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो इसलिए ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो ये आप नोट करके सब रख सकते हो, दिमाग में सेट करके रख सकते हो। तो चलिए उसके बाद आपको ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पिन है इसका रीडिंग आपको दिखाया, और ये जो लाइन जा रहा है ये बीच में और एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का साथ ये कनेक्शन है। तो दोस्तों मान लो ये 500 का ऊपर रीडिंग शो हो रहा है, तो इसी से नीचे ओम्स चला जाएगा तो हो सकता है ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल तरीका आपको ये चेक करने का, पावर सेक्शन का चेक करने का तरीका आपको दिखाया। तो दोस्तों बहुत कुछ तरीका है, आपको नॉर्मल सा ये सब एक बार चेक कीजिए जब पावर प्रॉब्लम आएगा। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये पावर सेक्शन चेक करने के बाद मान लो ये पावर सेक्शन ओके है, ठीक है, सप्लाई देने के बाद इसका अंदर सप्लाई 350 वोल्ट का आसपास इसका अंदर वोल्टेज आ जाता है, और सेट का सप्लाई स्टॉप करने के बाद ये वोल्टेज तुरंत डाउन हो जाएगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन ओके है। और इसका अंदर वोल्टेज मतलब 100 का ऊपर वोल्टेज स्टोर हो जाएगा, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका जो सेकेंडरी साइड है, तो दोस्तों ये पावर सेक्शन का जो नेगेटिव है ये कैपेसिटर का नेगेटिव ये अलग होता है, और ये जो कूल सेक्शन मतलब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का बाहर ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव, ये नेगेटिव अलग होता है। देखिए इधर साइड का नेगेटिव और इधर साइड का नेगेटिव के साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, मतलब कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। आप अच्छा करके दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, वोल्टेज चेक करने का समय आप ये कूल हॉट सेक्शन का नेगेटिव पर नेगेटिव आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ये पोजीशन का वोल्टेज चेक करेगा तो तब आपका सही वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब ये बॉर्डर का बाहर वोल्टेज चेक करेगा तो आपको ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो नेगेटिव, ये चॉपर का एक नेगेटिव होता है, ये ESG का एक नेगेटिव होता है, ये सेमी है, ट्यूनर का जो ये चौड़ा वाला पाती देखा जाता है ये नेगेटिव सेमी होता है, और ये सब नेगेटिव ये IC का कुछ नेगेटिव पिन होता है उसका साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको और क्लियर करना चाहता हूँ मैं लिनियर टेक्नीशियन को, देखिए बट ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव और ये जो हॉट सेक्शन का नेगेटिव इसका साथ बीच में दो PF देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक PF है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। दोस्तों ये बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही हाई वैल्यू का PF है, ठीक है। तो दो PF भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक ही PF देखा जाता है, और एक्स्ट्रा PF तो इधर और कुछ नहीं है, ये दो PF भी हो सकते हैं, एक PF भी हो सकता है। चलिए आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये जो पोजीशन का PF है आप अच्छा करके देखिए, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर का बीच में ये कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है, और देखिए बॉर्डर का बीच में ये एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस और ये PF जब शॉर्ट हो जाएगा तो दोस्तों ये PCB पूरा करंट हो जाएगा, मतलब अब ये PCB का कुछ भी पोजीशन पर टेस्टर टच करेगा तो टेस्टर जलेगा, और इसका जो ऑडियो वीडियो ये जो कनेक्शन पॉइंट है यहाँ पर टच करने के बाद भी टेस्टर जलेगा, हाथ से टच करेगा तो बहुत झटका देगा। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो PF को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को भी आप ओपन कर सकते हो, ओपन करके सप्लाई देगा तो सेट चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए शॉर्ट प्रॉब्लम कैसे चेक किया जाता है। अधिकतर जो शॉर्ट प्रॉब्लम देखा जाता है कि ESD सेक्शन जो आउटपुट सेक्शन का शॉर्ट है, तो इसीलिए ये देखिए ये जो कूल सेक्शन का नेगेटिव, ये नेगेटिव पर मीटर का नेगेटिव पर मैं कनेक्शन किया, अब अच्छा करके देखिए इस तरह आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों ये 110 वोल्ट का लाइन का रेजिस्टेंस है, ये ESD सप्लाई का लाइन है, यहाँ पर देखिए कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, ठीक है, अब अच्छा करके देखिए। तो
तो यहाँ पर मीटर कॉर्ड रखने का बाद देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड पर है, तो यहाँ पर आप टच करने का बाद कॉन्टिन्यूटी मिलेगा और कुछ ओम्स आएगा, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए किस तरह चेक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ESD सप्लाई का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का बाद आप ये नेगेटिव पर रख के आपको ये जो डायोड है डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर रीडिंग आएगा तो आपको ये डायोड को चेक करना पड़ेगा, इसका अंदर जो कैपेसिटर देखा जाता है ये कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। चेक मतलब आप ओपन करके देखिए कि इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मान लो ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद इसका अंदर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, और ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करने के बाद इसका अंदर शॉर्टिंग, ये पोजीशन का अंदर शॉर्टिंग, कि ये डायरेक्ट शॉर्टिंग देखा जाता है, तो दोस्तों डायरेक्ट आपको ये फर्स्ट आउटपुट जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके चेक कीजिए। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ओपन करके चेक करने के बाद इसका शॉर्टिंग रिमूव नहीं होगा, तो मतलब इसके अंदर कुछ रीडिंग देखा जाता है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये लाइन का साथ आपको दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव डायोड जो होता है इसका साथ देखिए सभी कनेक्शन, ये सप्लाई लाइन है, ESD सप्लाई, ESD सप्लाई ESD के ये पिन पर आता है। और दोस्तों बीच में देखिए इसका साथ भी कनेक्शन है, इसका साथ भी कनेक्शन है, इसका साथ भी कनेक्शन है, और इसका साथ भी कनेक्शन है, क्योंकि ये सब पॉइंट हॉरिजॉन्टल आउटपुट का, ठीक है, ये चाइना PCB का, बट ब्रांडेड PCB के अंदर इस तरह पॉइंट नहीं देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कौन सा पिन कनेक्शन है। देखिए ये पिन कनेक्शन है जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन का साथ। तो दोस्तों ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन का साथ जितना पार्ट्स देखेगा, जितना पार्ट्स, ठीक है, सभी पार्ट्स को एक एक ओपन करके आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो ये एक पार्ट्स है, तो ये पार्ट्स देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, ये जो नेगेटिव लाइन, ये पार्ट्स भी शॉर्ट हो सकता है, ये पार्ट्स भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स मिलेगा तो वो भी आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। इसी तरह चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन शॉर्ट है कि नहीं है। मान लो ये आउटपुट सेक्शन का सभी पार्ट्स ओपन कर दिया, हो सकता है आप कर सकते हो कि ये जो ESD पिन, ये पिन को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसका पूरा आउटपुट सेक्शन चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ओपन करने के बाद देखिए कि ये नेगेटिव का साथ ये जो ESD सप्लाई, ये शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं, तो शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा तो आपको ये सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। और तब भी ESD ये कनेक्शन जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लाइन का जो ESD की कनेक्शन ओपन करने के बाद तब भी शॉर्टिंग रिमूव नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए आपको ये जो सप्लाई लाइन है, आपको पता है कि ये सब लाइन का साथ कनेक्शन है, तो ये योक कॉइल का साथ कनेक्शन होता है। आपको योक कॉइल ओपन करके भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए चाइना PCB का ये जो लास्ट नंबर पिन देखिए, ये 180 वोल्ट लाइन का पिन है, ठीक है, तो ये पिन का साथ, ये पिन का अंदर एक कॉइल है, ESD सप्लाई का साथ ये पिन का अंदर एक कॉइल है, तो इस तरह कुछ भी ESD हो सकता है। इस तरह आप ESD पिन को इस तरह चेक कीजिए, ठीक है, जिस पिन का साथ कनेक्शन मिलेगा तो वो पिन लाइन जो जाता है, देखिए बीच में डायोड है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये बीच में डायोड है, ठीक है, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, डायोड शॉर्ट होने के बाद ये जो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये पूरा शॉर्टिंग बताएगा, जिस तरह आपको बताया कि नेगेटिव का साथ ESD सप्लाई शॉर्टिंग, ये भी बताएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये डायोड को ओपन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद शॉर्टिंग रिमूव नहीं होगा तो ये चाइना PCB के अंदर लास्ट ही ESD शॉर्ट है, क्योंकि ESD के ये जो नेगेटिव पिन, ये सप्लाई पिन का साथ शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, बट शॉर्टिंग देखेगा तो ESD खुद शॉर्ट हो गया। इस तरह मैं एक दो प्रॉब्लम है निकाला, ठीक है, तो ये शॉर्टिंग इस तरह आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ESD सप्लाई के बारे में आपको बताया, और उसके बाद देखिए इसका अलग अलग जो सप्लाई आउटपुट पॉइंट है, देखिए इसका रीडिंग। दोस्तों देखिए ये जो अलग अलग आउटपुट डायोड है जो अलग अलग सेक्शन पर सप्लाई जाता है, ये 110 वोल्ट का लाइन है, और उसके बाद ये जो डायोड, ये डायोड देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद ये देखिए ये कॉइल का थ्रू वर्टिकल IC पर सप्लाई जा रहा है। तो दोस्तों ये लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव पर भी आपको सेम तरह रखना पड़ेगा मीटर कॉट को, और ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए कितना रूम्स देता है, आप अच्छा करके देखिए, ये भी बहुत हाई रीडिंग देता है। तो आपको इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ मीटर कॉट का घुमा के इस तरह चेक करेगा तो क्या दिखाएगा। देखिए मैं रेड कॉट को नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, उसका जो ब्लैक कॉट मैं डायोड का पॉजिटिव साइड पर मैं कनेक्शन किया। तो दोस्तों ये 400 का ऊपर इस तरह 446 ओम्स का आसपास रीडिंग देता है, ये भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपको मीटर घुमा के चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका सभी आउटपुट डाट का
ओम्स कितना देता है पॉजिटिव साइड पर, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए सभी डाइट का और 110 वोल्ट लाइन का भी देखिए। तो ये जो ओम्स आपको दिखाया मीटर कॉर्ड को घुमा के, इस तरह रीडिंग आना चाहिए। तो इसी से लो ओम्स दिखाएगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो मान लो ये जो डाइवर्स सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई, ये जो लाइन है, ठीक है, मैं मीटर कॉर्ड घुमा लेता हूँ। देखिए ये डायरेक्ट कंडीशन शॉर्टिंग नहीं है, बट शॉर्ट होगा तो ये जो लाइन के अंदर कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर का एक पॉइंट नेगेटिव है। अच्छे अच्छे देखिए, कैपेसिटर का एक पॉइंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये डायोड भी शॉर्ट दिखाएगा। तो हो सकता है ये डायोड खुद शॉर्ट हो सकता है, हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, हो सकता है इसका अंदर ये जो सप्लाई जा रहा है आईसी का अंदर, आईसी का ये सप्लाई पिन का साथ, आईसी का एक नेगेटिव पिन होता है वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो आईसी का नेगेटिव पिन का साथ ये शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये कंडीशन शॉर्ट दिखाएगा। तो इसीलिए ये सप्लाई लाइन के अंदर आप ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन रेजिस्टेंस को फर्स्ट ओपन कीजिए। इस तरह सभी लाइन के अंदर एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक कीजिए कि इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट है कि नहीं है, और उसके बाद ये सामने पोजीशन पर आइए। तो ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई है, देखिए ये रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जा रहा है, सभी लाइन के अंदर रेजिस्टेंस देखा जाता है। देखिए रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये सब रेजिस्टेंस को फर्स्ट ओपन करके चेक कीजिए। देखिए साउंड सेक्शन जो होता है, साउंड सेक्शन के अंदर जो सप्लाई जा रहा है, बीच में देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को फर्स्ट ओपन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आईसी पोजीशन शॉर्ट है कि इसका डायोड और कंडेंसर शॉर्ट है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग के बारे में आपको बात है, और आपको जो बताऊँगा कि आईसी का मेन सप्लाई जो 5 वोल्ट सप्लाई, तो इसी तरह आप चेक कीजिए कि इसका जो नेगेटिव पर आपको मीटर का कॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको दिखाता हूँ, कुछ भी पोजीशन आईसी का बहुत पोजीशन नेगेटिव है। देखिए ये भी नेगेटिव पोजीशन है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और ये ट्यूनर का ये भी नेगेटिव है। देखिए मीटर का क्वांटिटी देखिए बज रहा है, ये दो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पर आपको, ये जो नेगेटिव है यह पर नेगेटिव, कुछ भी पोजीशन पर नेगेटिव आपको करना पड़ेगा मीटर का। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह करके दिखाता हूँ। और फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, वोल्टेज कुछ गड़बड़ होगा तो ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर सप्लाई आता है 5 वोल्ट। दोस्तों देखिए ये पिन भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए मेमोरी का 8 नंबर पिन पर देखिए क्वांटिटी बहुत ही हाई दिखा रहा है, और मीटर का कॉर्ड ये घुमाने का बाद अब चेक करेगा तो ये रेड कॉर्ड को मैं नेगेटिव पर लगाता हूँ और ब्लैक को मैं सप्लाई पर लगाता हूँ। देखिए कितना रीडिंग देता है, 430 ओम्स के आसपास। तो दोस्तों इसी तरह सप्लाई लाइन का रीडिंग आना चाहिए, कुछ भी सप्लाई लाइन हो सकता है, ये 5 वोल्ट सप्लाई लाइन है। तो ये लाइन शॉर्टिंग मतलब इसका ओम्स इसी से लो हो जाएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सप्लाई लाइन का कुछ फॉल्ट है। तो जब मान लो ये 100 ओम्स हो गया, हो सकता है बाजार बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बात है। तो इसीलिए इस तरह रीडिंग जब आएगा, आप ये मेमोरी आईसी का ये पिन को ओपन करके चेक कीजिए, और ये जो लाइन जा रहा है बीच में, ये आईसी का साथ कनेक्शन है, ये आईसी पिन को ओपन करके चेक कीजिए। ये सप्लाई जो जा रहा है देखिए, ये आईसी का पिन का साथ कनेक्शन है, ये आईसी पिन को भी ओपन करके चेक कीजिए। और इसका अंदर मेनली इसका अंदर जो सप्लाई रेगुलेटर सेक्शन से आता है, ये जितना पार्ट्स का साथ कनेक्शन है, सभी पार्ट्स, ये पोजिशन पर एक कैपेसिटर और पीएफ भी हो सकता है, ये भी आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो और क्या देखूँगा, और चलिए आपको और दिखाता हूँ कि देखिए ये तो नेगेटिव का साथ मैं कनेक्शन करके रखा है, देखिए ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। और देखिए आईसी का ये 36 नंबर पिन, ये 33, 34, 35, 36, ये 36 स्टैंड बाई ऑन होने के बाद वोल्टेज आता है। यहाँ पर इसका ओम्स और रीडिंग देखिए 1000 का ऊपर इसका ओम्स है, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होगा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको ये जो लाइन है, पूरा लाइन को आपको एक एक पार्ट्स को ओपन करके चेक कीजिए, जिस तरह आपको बात है। चलिए मीटर कॉर्ड को मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ, आपको मीटर कॉर्ड को घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये पोजीशन पर मीटर का रेड कॉर्ड मैं कनेक्शन किया, और नेगेटिव को मैं नेगेटिव कॉर्ड के साथ कनेक्शन किया, और देखिए इसका 36 नंबर पिन जो 5 वोल्ट सप्लाई आता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, इसका ओम्स और रीडिंग देखिए 500 के ऊपर इसका ओम्स है। तो ये शॉर्टिंग बताएगा तो 100 का नीचे, कि मतलब 500 का नीचे चला जाएगा। तो ये लाइन जितना पार्ट्स का साथ कनेक्शन है, सभी पार्ट्स को एक एक करके आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और किस तरह आप वीडियो चाहता हो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।